हेलो एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल. इन दिस ट्यूटोरियल हम पढ़ने जा रहे हैं स्केल्स के बारे में, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं मापनी. स्केल्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं मापनी. ये मापनी क्या होता है और एग्ज़ाम में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जब आप सुनते हैं स्केल वर्ड का नाम तो आपके जहन में आता है जो स्केल आप लाइन बनाने के काम में जो एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसको आप स्केल बोलते हैं वो आता है. पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल का मतलब क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा. कई बार आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मुझको अपनी तैयारी को स्केल अप करना है. मतलब क्या होता है उसका कि अभी मैं मान लीजिए 3 घंटे की रफ्तार से पढ़ रहा था या फिर 3 घंटे पढ़ रहा था, तो अब मेरे एग्ज़ाम पास में आ गए तो मैं 5-6 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने अपनी तैयारी को स्केल अप कर दिया है. या मैं पहले 2 चैप्टर पढ़ रहा था, मैं 10 चैप्टर बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा मैंने अपनी तैयारी को स्केल अप कर दिया है. तो यहाँ पर यही होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई जो किसी चीज़ की हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उसकी साइज मान लीजिए बहुत बड़ी है, उसको छोटी फॉर्म में करना, या फिर कोई चीज़ छोटी है उसको बड़े फॉर्म में करना, या फिर कोई चीज़ जिस प्रकार से है उसको एज इट इज़ करना. तो अभी मैं इसको एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ मैंने क्या 3 बात यहाँ पे कही. मैं आपको 3 सबसे पहले एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो समझिए. मैंने एक प्लॉट लिया, मान लीजिए मैंने 500 गज का प्लॉट लिया. मैंने 500 गज का प्लॉट मैंने ख़रीदा, ठीक है. अब मैं जाऊंगा, उस प्लॉट को मैंने ख़रीद लिया, अब मैं जाऊंगा आर्किटेक्ट के पास में और बोलूंगा कि मैंने 500 गज का प्लॉट ख़रीदा है, मुझको बताओ कि कहाँ तो मेरा बरामदा होगा, कहाँ मेरा ये कमरे होंगे, कहाँ पे मेरा टॉयलेट, कहाँ पे मेरा बाथरूम होगा. तो वो आपको एक शीट निकाल के देगा जिसमें ये 500 गज के हिसाब से 500 गज को वो इस कॉपी में, इस पन्ने में नहीं, इसको इस 500 गज की जो ड्राइंग बनाएगा वो एक पन्ने में ड्राइंग बनाएगा जिसको आप आराम से पढ़ सकते होंगे. तो इस 500 गज को इस छोटे से पन्ने में कर देना, इसको हम कहते हैं स्केल, ठीक है. ये एक आपका एग्ज़ाम्पल हो गया. अब दूसरी बात समझिए कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, साइज़ क्या थी 500 गज और आप लाए उसको एक सिंपल पन्ने में, तो आप क्या कर रहे हैं, साइज़ को क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, लिख लीजिए, रिड्यूस कर रहे हैं. तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको इसमें रिड्यूसिंग, ये कौन सा स्केल हो गया हमारा, रिड्यूसिंग स्केल ये हो गया. आपको समझ में आई एप्लीकेशन. एक प्लॉट को आर्किटेक्ट जब एक पन्ने में उतारेगा तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग स्केल. अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ कि मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहा हूँ और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जैसे एक घड़ी होती है डिजिटल घड़ी, उसमें कंपोनेंट बहुत पास पास में है. अब मैं उसके एनालिसिस करना चाहता हूँ तो इतने पास पास सर्किट को मैं अपनी आंखों से आराम से नहीं पढ़ सकता, ठीक है. तो जैसे मेरी वॉच है उसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट, एक तो आपकी इस टाइप की वॉच आती है, मैं इलेक्ट्रिक वॉच की बात बता रहा हूँ, जो छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक वॉच जिसको हम बोलेंगे, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक वॉच है तो उसका सर्किट बहुत छोटा सा उसका सर्किट है. उसको मैं ढंग से देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे उसका ऑसिलेटर लगा है, कहाँ पे उसकी आईसी लगी है, तो मैं एक पन्ने पे उसकी इमेज फिर से बनाऊँगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्चुअल में चीज़ क्या है स्मॉल, यहाँ पे चीज़ क्या है बिग, उसको हम एक पन्ने में ला रहे हैं. ये चीज़ स्मॉल थी, इसको हम बिग कर रहे हैं, इसको हम साइज़ को बड़ा बना रहे हैं. तो इसको हम बोलते हैं इनलार्जिंग स्केल. इसको भी लिख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इनलार्जिंग स्केल बोलते हैं, ठीक है. ये बात हो गई. अब तीसरी बात समझिए कि मैं, आप जानते हो पैनल मीटर क्या होता है, पैनल मीटर होता है, एक पैनल होता है उसमें जैसे वोल्ट मीटर लगाते हैं, मीटर लगाते हैं, ठीक है. तो मेरा एक पैनल है, कोई भी मशीन का मेरा पैनल है, मान लीजिए मेरी चक्की का ही पैनल समझ लीजिए, या फिर कोई आप टेस्टिंग बेंच समझ लीजिए, कोई टेस्टिंग बेंच है उसका मैंने पैनल बनाया, ठीक है.
अब मुझको पता है यार, यहाँ पे वोल्ट मीटर डालना है, यहाँ पे अमीटर मुझको लगाना है। तो 96x96 साइज का, 96x96 mm साइज का एक मल्टीमीटर होता है जो मुझको इसमें फिट करना रहता है। तो यहाँ पे इसकी जो साइज है वो 96 mm है, ठीक है, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर और 9.6 सेंटीमीटर। तो इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं सामने वाले से पूछूंगा, पैनल वाले से, मैं पैनल बना रहा हूँ, मैं सामने वाले से पूछूंगा कि यार जो तू मीटर सप्लाई कर रहा है उसकी साइज क्या है, उसका जो कि मुझको साइज का पूरा डायग्राम बना के दो, कहाँ पे उसके लॉक लगे हैं, किस प्रकार से वो फिट होगा मेरे सिस्टम में, तो आपको वो डिज़ाइन बना के देगा। तो क्योंकि इसकी साइज उतनी है, एक पन्ने में आराम से आ जाएगी, तो एज इट इज़ 96 mm है, तो एक पन्ना लेगा, 96 mm की लाइन खींचेगा, 9.6 mm की लाइन खींचेगा, एग्जैक्ट स्केल इसमें वो कॉपी करेगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है साइज का, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सेम साइज इसमें हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सम मापी। क्या बोलते हैं हम इसको, सम मापी। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्केल, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको फुल स्केल, ठीक है। ये तीन चीज़ हमने पढ़ी अभी तक, हमने ये तीन चीज़ पढ़ी, एक में बड़ी चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, एक में छोटी चीज़ रिप्रेजेंट करनी है पन्ने में, और एक में जो साइज है एक्चुअल साइज में हमको वो रिप्रेजेंट करनी है। तो इसको हम बोलेंगे फुल स्केल, इसको इनलार्जिंग स्केल, और एक इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग स्केल। अब यहाँ पे एक बात आती है कि स्केल क्या होता है, स्केल क्या होता है, और एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं RF फैक्टर, वो क्या होता है, आइए उसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि स्केल क्या होता है। स्केल यानी कि हिंदी में कहते हैं हम उसको मापनी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या फिर ऑब्जेक्टिव बनता है, आप इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि उस उपकरण का नाम क्या होता है जो किसी वास्तविक आकार को, वास्तविक आकार को, जैसे कि 500 गज का प्लॉट वास्तविक आकार है, घड़ी का छोटा सा सर्किट वास्तविक आकार है, मतलब एक्चुअल साइज को, वो इंस्ट्रूमेंट, वो उपकरण या इंस्ट्रूमेंट जो एक्चुअल साइज को, एक्चुअल साइज को एक एक इजी रीडेबल, इजीली रीडेबल साइज में चेंज करता है, लिख लो कॉपी में, सिंपल सी बात है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, नोट्स बनाए। व्हाट इज स्केल, स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स एक्चुअल साइज, लेंथ ऑफ एक्चुअल साइज टू इजी रीडेबल साइज। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है मापनी क्या है, तो मापनी वह उपकरण है जो वास्तविक साइज को, वास्तविक आकार की साइज को एक पठन योग्य काल्पनिक साइज में, एक इमेजिनरी साइज में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं स्केल। समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि स्केल क्या है। स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक वास्तविक साइज को एक ईजिली रीडेबल साइज में कन्वर्ट करता है। और जो इनका जो रेशियो होता है, और जो इसका जो रेशियो होता है, जो लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ एक्चुअल साइज इज कॉल्ड RF फैक्टर। अब मैं आपको RF फैक्टर अच्छे से इस चीज़ को बताता हूँ, आप इसकी थोड़ी सी भूमिका समझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ डेफिनेशन याद करके पढ़ के आपका दिमाग विकसित नहीं हो सकता, आप बाकी चीज़ भी समझे कि भाई चीज़ों को हो क्या रहा है, एक कहानी के तौर पे, एक सीरीज ऑफ इवेंट के तौर पे चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए मैं आपको पूरी भूमिका बना के चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने जाना मापनी क्या है, अब मैं आपको RF फैक्टर के बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने लिख ली होगी मेरे ख्याल से। अब यहां पे ध्यान दें आप, RF फैक्टर क्या होता है, RF फैक्टर इसको हम हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न, और हम इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है,
रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? किसी चीज को दोबारा प्रेजेंट करना। एक 500 गज का प्लॉट है, उसको मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ एक छोटे से पन्ने में, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरएफ फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो आरएफ फैक्टर क्या है वो समझे, या फिर निरूपक भिन्न क्या है वो है आपका, हिंदी में भी लिख देता हूँ इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, रेखा चित्र पर वस्तु की लंबाई भाग वस्तु की वास्तविक लंबाई। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे तो आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने एक प्लॉट खरीदा 100 मीटर, ये है मेरा 200 मीटर। यहाँ पे मैं एक, मेरा ये कमरा है, ये मेरा एक कमरा है, यहाँ पे मेरी किचन है, यहाँ पे मेरी किचन है, यहाँ पे मेरा बरामदा है, और यहाँ पे एक और कमरा है, और यहाँ पे टॉयलेट्स हैं। ठीक है, तो ये 100 मीटर और 200 मीटर का है। अब ये आर्किटेक्ट ने बनाया तो वो एक पन्ने में बनाएगा, एक्चुअल थोड़ा बनाएगा इतना कोई भाई 200 मीटर 100 मीटर कितने बड़े प्लॉट में जाके लाइन खींचने बैठेगा, फिर हम आएंगे आइए साहब मैं समझाता हूँ आपको, देखो ये इतना 200 मीटर का ये है यहाँ पे, अपन ऐसे नहीं होगा। पहले वो पेपर में बनाएगा, क्यों? अगर वो पहले कस्टमर को बताएगा, क्लाइंट को बताएगा कि यार ये इस प्रकार से मैंने बताया है, अब बताओ इसमें क्या चेंज करना है, तो फिर से वो ड्राइंग बनाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये है हमारा एक्चुअल प्लॉट का साइज। हम इसको एक पन्ने में कैसे बताएंगे, इस इतने बड़ी चीज़ को एक छोटे से पन्ने में ड्राइंग करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? हम एक पन्ना लेंगे, पन्ना जो है ही अपने पास में ड्राइंग पेपर है। अब हम क्या बोलेंगे कि ये 100 मीटर है, मैं एक ऐसा स्केल बना रहा हूँ जिसमें मैं एक मीटर को रिप्रेजेंट करूँगा 0.1 सेंटीमीटर से। ध्यान दीजिएगा, एक मीटर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, आपको विजिबल होगा, 100 एक मीटर को आप 0.1 कर रहे हैं, तो 100 मीटर को सेंटीमीटर में कितना चेंज करेंगे, 0.1 से गुना कर रहे होंगे यहाँ पे आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया, ये 200 मीटर है, ये 200 इंटू 0.1 हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेंटीमीटर में चेंज होकर 20 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर में आराम से एक अपने पन्ने में बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, बना सकता हूँ मैं। तो हमने क्या किया कि 100 मीटर की चीज़ को हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर में हम लोग ले आए, तो इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अगर मैं पूछूँ कि इस चीज़ में जिस चीज़ से हम ये कन्वर्जन करेंगे, अभी मैं उसको पढ़ाऊंगा, उन इंस्ट्रूमेंट उन उपकरणों को हम बोलेंगे स्केल्स, और ये जो मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया है इसको मैं क्या बोलूंगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है। आप लोगों ने ये सब चीज़ लिख लिया, और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको याद हो रहा है ये चीज़ कि यार रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग कर रहे हो उसमें ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल साइज। अब एग्ज़ाम में आप जाओगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में जो एक्चुअल लेंथ है आपकी ऑब्जेक्ट की वो ऊपर आती है या नीचे आती है। तो उसका जो डाउट है उसको मैं यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करके बताऊँगा। मैं एक मिनट इसको रब कर देता हूँ, मैं आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको मैं उसकी भी तरीका बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक बात
नोट करने की है वो ये है, एक पॉइंट, पॉइंट नंबर वन आप लिखें, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज यूनिट ऑफ आरएफ, यूनिट ऑफ आरएफ, आरएफ की यूनिट क्या है, तो आरएफ की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, क्योंकि यह है एक फैक्टर है, जैसे सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर कट के क्या हो गया, कोई यूनिट इसकी नहीं है। पहला पॉइंट आप समझ लिख लीजिए इसको। सेकंड पॉइंट आप ये लिखिएगा कि लेंथ यूज्ड हेयर आर इन सेम यूनिट्स, जो लेंथ हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालने के लिए करेंगे दे शुड बी इन सेम यूनिट, जो लेंथ लेंथ वी आर यूजिंग दे शुड बी इन द सेम यूनिट, जो लंबाई हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वो समान यूनिट की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन आपको जो बताई इसकी आर एफ की वो क्या बताई, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्रॉइंग, रेखा चित्र पे जो वस्तु की जो लंबाई है यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक्चुअल में कितनी है 100 मीटर है। अब इसकी यूनिट को मैं चेंज करूँगा, ये ऊपर 10 सेंटीमीटर है, नीचे 100 को मीटर को भी मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा, तो क्या लिखूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए। अच्छा अब ये देखो ये क्या हो गया आपका 1/1000, कितना हो गया 1/1000 हो गया। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हम इस प्रकार से लिखते हैं जनरली कि ऊपर हमेशा 1 आए, तो इससे समझ में आता है कि जो हजार जो हिस्सा है उसको हम एक में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 1/1000 उससे हम उसको गुना कर रहे हैं। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, क्या है 1/1000। अब मैं अपने उस पॉइंट पे आता हूँ कि अगर आप एग्जाम में भूल गए तो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आया क्या आया, वो 1/1000 आया, या फिर मैं इसको लिख क्या लिख सकता हूँ 0.001 में लिख सकता हूँ। तो आप ध्यान देना इस बात को, आप सिर्फ और सिर्फ इतनी बात समझिएगा कि यार अगर मैं बात करूँगा प्लॉट की, जनरली जो ड्राइंग बनाई जाती है जैसे बड़े बड़े प्लॉट्स की बनाई जाती है, तो जब बड़े बड़े प्लॉट्स की जब ड्राइंग होगी उसमें हमेशा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या रहेगा, पॉइंट्स में रहेगा, और अगर पॉइंट्स में रहेगा, अगर पॉइंट्स में रहेगा तो नीचे क्या आएगी चीज़, बड़ी चीज़ आएगी, मतलब बड़ी चीज़ क्या, एक्चुअल साइज ऑफ प्लॉट। तो आप सिंपल सी बात से याद रखिएगा कि जब प्लॉट की आप ड्राइंग करोगे या बड़े बड़े डैम्स की आप ड्राइंग करोगे या किसी बड़े कमरे की ड्राइंग करोगे तो हमेशा जो आर एफ फैक्टर होगा वो पॉइंट्स में आएगा, 0.00001 इस टाइप से आएगा। तो समझ गए, एक्चुअल साइज हमेशा नीचे आएगी, इस प्रकार से आप चीज़ को याद रखना है। ये चीज़ हो गई आर एफ फैक्टर के बारे में, मैंने आपको बताया कोई इसकी यूनिट नहीं है, लेंथ यूज हेयर आर इन सेम यूनिट, दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि लेंथ जो हम यूज़ करेंगे वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन आपका ये आता है एग्ज़ाम में कि 100 मीटर की लंबाई को हम 10 सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो बताइए आर एफ फैक्टर क्या होगा, तो कई स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं 10/100 यानी कि 0.1 आंसर लिख के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी आर एफ फैक्टर की, आई थिंक यही इतना ही पॉइंट्स है आर एफ फैक्टर में जो मुझको आपको समझाने हैं। तो आगे मैं काफ़ी चीज़ बता दिया हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से याद करना है, सारी चीज़ मैं बताता हूँ मैं। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा अपने एक एग्जांपल से स्केल के बारे में। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपकी आपके इंटरेस्ट के लिए। जब हम स्टूडेंट्स थे, जब हम 7th क्लास समथिंग में थे, तो हमारे एक सर हुआ करते थे, उनका नाम मुझे याद शायद शर्मा लगाते थे। तो वो क्या करते थे, वो भारत के जो मैप है या फिर जो भी मैप बनाने होते थे वो बहुत अच्छे मैप बनाते थे, और बड़े बड़े चार्ट में बहुत अच्छे मैप बनाते थे। भाई छोटे साइज में तो मैप बना ले, पर बड़ी साइज में वो मैप कैसे बनाते थे। तो उन्होंने हमको बताया कि कोई मैप वो कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने हमको बताया कि जैसे आपके पास में एक इतना छोटा सा मैप है मान लीजिए भारत का, अब इस चीज़ को आप है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है उसकी आपको फ़ोटो बनानी है बड़ी, तो
तो उसका भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, काम करता है तरीका, बहुत बढ़िया काम करता है। आप उनकी फ़ोटो, पोस्ट कार्ड साइज जो फ़ोटो मिलती है ना मार्केट में, या फिर प्रिंट आउट निकाल लो वो ले लो, उसको बड़ा कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये फ़ोटो ले लिया आपने, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपका भारत का इधर से इस प्रकार से लगभग लगभग मैप है। अब आप क्या करो, ये छोटा सा है, मतलब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर रहेगा और ये आप 20 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और आपको इतने बड़े चार्ट में इसको बनाना है, ठीक है। या फिर कोई एक्टर की फ़ोटो आपको बनानी है, एकदम सटीक बनानी है, तो उसको क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसको आप 10 सेंटीमीटर है ना, इसको आप 0.1 सेंटीमीटर में इसको बांट लेना, कितने 0.1 सेंटीमीटर में इसको आप बांट लेना है ऐसे, ठीक है, या 0.2 जो भी है उसमें माप लेना, और फिर यहाँ से एक लाइन खींचना ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ से लाइन खींचना आप ऐसे, इस वाले से पॉइंट्स को मिला देना, ठीक है। ऐसी एक्टर का भी करना है तो ऐसे ऐसे कर लेना आप, समझ रहे हो मेरी बात। अब ये 0.1 सेंटीमीटर के गैप में ये आपके लगे हुए हैं, अब इनकी नंबरिंग करना 1, 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, H1, H2, H3 इस प्रकार से, उनको H10 ऐसे आपने नाम दे दिए, ऐसे इसका नाम देना V1, V2, V3, V4, V5, V100 तक आप, जैसे आपने इसको नाम दे दिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि बड़ा मैप है ये, 10 सेंटीमीटर की लंबाई थी, आपको 1000 सेंटीमीटर तक का ये बनाना है ये पेपर में। तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर के अंतराल में थी, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 10-10 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लो आप, 10-10 सेंटीमीटर का आप डिफरेंस ले लो आप, और इतने टुकड़े कर लो जितने इतने टुकड़े। तो मान लीजिए H1 से आपके यहाँ पे H100 तक है, यहाँ पे भी नाम दे दो H1, H2 और H100 दे दो, और यहाँ पे भी इस प्रकार से नाम दे दो V1, V2 इस प्रकार से, और इस प्रकार से काट दो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि भाई जैसे यहाँ से आप शुरू कर रहे हो, ये V1 और V2 के बीच में है, तो इस प्रकार से जैसे ये मैप बन रहा है ना ये, तो आप आराम से उसको ऐसे बना पाओगे, और इस प्रकार से देखोगे आप धीरे धीरे एकदम सटीक मैप या फिर सटीक जो डायग्राम है आप इजीली यहाँ पे बना पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ जो छोटी है उसको बड़ी में चेंज करने के लिए हम लोग क्या स्केल का यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप ऑफ स्केल के बारे में इसके बाद। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपेरेशन।